सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए और आप उसे इजीली देख सको। दोस्तों, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके वीडियोस के कंटेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, वीडियोस की साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, वीडियोस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और साथ ही साथ वीडियोस को रेगुलर पब्लिश भी कर रहे होते हैं, फिर भी उनके वीडियोस पे व्यूज नहीं आते। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक को लेकर है, तो मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। और यदि मेरा आज का ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर जरूर कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं खेताराम मेघवा टेक समुद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके वीडियोस के कंटेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, वीडियोस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और वीडियोस को रेगुलर पब्लिश भी कर रहे होते हैं, फिर भी उनके वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहे। तो दोस्तों, इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है यूट्यूब का SEO। जी हाँ दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे यूट्यूबर अच्छे क्वालिटी वाले वीडियोज़ तो पब्लिश कर देते हैं लेकिन SEO के बारे में नॉलेज न होने के कारण उस वीडियो पे जितने व्यूज आने चाहिए उतने व्यूज नहीं आ पाते। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं पूरा ट्राई करूंगा कि इजीली आपको YouTube के SEO के बारे में समझा सकूं। तो दोस्तों, YouTube के SEO में जो सबसे पहला रोल आता है वो है वीडियो का टाइटल। हमें अपना वीडियो का टाइटल कुछ इस तरीके से देना होगा जिससे कि यूजर को इजीली समझ में आ जाए कि ये वीडियो किसके बारे में है और साथ ही साथ उस टाइटल के अंदर हमें कुछ कीवर्ड भी टाइप करना होगा जिससे कि सर्च इंजन को भी पता चल सके कि ये वीडियो किसके बारे में है। पॉइंट नंबर 2, वीडियो का डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, हम में से बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि वीडियो को तो पब्लिश कर देते हैं लेकिन वीडियो का डिस्क्रिप्शन नहीं देते। दोस्तों, यहाँ पे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वो टैग जितना ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ भी टाइप नहीं करते हैं तो आपका वीडियो रैंक नहीं हो पाएगा और जिससे कि सीधा इफेक्ट अपने व्यूज़ पर पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें वीडियो को पब्लिश करने से पहले सबसे पहले अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन जरूर टाइप करना है और डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से तैयार करना है जिससे कि हमारा जो वीडियो का टॉपिक है उसके कुछ कीवर्ड्स उसके अंदर समावेश हो जाए ताकि अपने सर्च इंजन को पता चल सके कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है और उस कीवर्ड को लेकर वो अपना वीडियो रैंक हो सके। पॉइंट नंबर 3, हैज कीवर्ड। दोस्तों, यहाँ पे कीवर्ड्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा लेकिन हैज कीवर्ड्स के बारे में शायद ही सुना होगा। यदि आपने नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ हैज कीवर्ड्स क्या होता है। दोस्तों, YouTube के नए एल्गोरिथम के हिसाब से जितना इम्पोर्टेंसी कीवर्ड्स का है उससे कई गुना हैज कीवर्ड्स का है। यदि आपने अपने वीडियो में हैज कीवर्ड्स इंक्लूड नहीं किया है तो आपके वीडियो शायद ही रैंक कर पाएगा। तो दोस्तों, अब हैज कीवर्ड्स कैसे और कहाँ ऐड करना है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, हैज कीवर्ड्स ऐड करने के लिए आपको जाना होगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे स्टार्टिंग में या बीच में या एंडिंग में कहीं पर भी आप हैज कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। हैज कीवर्ड्स ऐड करने में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि कीवर्ड्स के बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप कीवर्ड्स ले रहे हैं हाउ टू मेक मनी, तो हाउ टू मेक मनी के बीच में जो स्पेस आता है वो स्पेस नहीं होना चाहिए और विदाउट स्पेस आपको टाइप करना है हाउ टू मेक मनी और उसके आगे हैज लगा देना है। तो ये एक हमारा हैज कीवर्ड हो गया। दूसरी बात, हमें यह भी ध्यान में रखनी है कि हैज कीवर्ड जब भी हम ऐड करें अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर तो वो मैक्सिमम 15 ही होना चाहिए, 15 से ऊपर कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका वीडियो स्पैम में चला जाएगा और आपका वीडियो रैंक नहीं कर पाएगा। पॉइंट नंबर 4, कीवर्ड्स। दोस्तों, कीवर्ड्स के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कैसे हमें कीवर्ड्स ऐड करने हैं और बेस्ट कीवर्ड्स कैसे चूज करने हैं। यदि पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ बेस्ट कीवर्ड्स कैसे चूज करने। दोस्तों, बेस्ट कीवर्ड्स चूज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने YouTube के सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए आपके टॉपिक को। जैसे ही आप अपना टॉपिक का कुछ भी वर्ड्स वहां पे टाइप करोगे तो वहां पे लिस्ट शो होगी, तो वो जो लिस्ट शो हो रही है वो हमारा सबसे बेस्ट कीवर्ड्स होगा, सबसे ज़्यादा सर्चेबल कीवर्ड होगा। वो वहां से हमें वो कीवर्ड्स उठा लेना है और अपने वीडियो के टैग में ऐड कर देना है। दूसरा तरीका ये है कि हमारा जो टॉपिक है उसके सिमिलर दूसरे वीडियोस पे जाइए और वहाँ पे उस वीडियो में कौन से टैग ऐड किए हुए हैं उनमें से 2-3 कीवर्ड्स आप उठा के अपने वीडियो के टैग में ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से अलग अलग वीडियो में से 2-3 कीवर्ड्स लेके आप अपने टैग के अंदर ऐड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, वीडियो का मार्केटिंग या भी चैनल का मार्केटिंग। दोस्तों, यदि आप अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले वीडियोज़ पब्लिश कर रहे हैं, आपके वीडियोज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और फिर भी आपके चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका एक चैनल नया है। और यदि आपका चैनल नया है तो इनिशियली आपके वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ पाएंगे।
बिकॉज कि जब भी आप कोई नया चैनल ओपन करते हैं और उस पर वीडियोस पब्लिश कर रहे हैं, तो ऐसे में मार्केट में आपको कोई नहीं पहचानता होता है। तो ऐसे में हमें अपने वीडियोस का या फिर अपने चैनल का मार्केटिंग करना होगा। यहाँ पे मैं कोई पेड मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हमें अपने चैनल को, हमें अपने वीडियोस को सोशल साइट के थ्रू या फिर ब्लॉगिंग के थ्रू शेयर करना होगा, ताकि हमारे वीडियोस पे और अपने चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस विजिट कर सके और अपने वीडियोस का व्यूज इंक्रीज हो सके। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के बीच शेयर करना चाहिए। आई होप इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और यदि आपके माइंड में कोई भी सजेशन हो इस वीडियो को लेकर, इस चैनल को लेकर, तो आप अपना सजेशन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए, ताकि आगे से मैं जो भी वीडियो पब्लिश करूँ वो अच्छे क्वालिटी, अच्छे कॉन्टेंट के साथ कर सकूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये टॉपिक क्लोज करते हैं। नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।